नमस्कार दोस्तों, फिल्म तेजस के टेलर रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज वायुसेना दिवस है, आप सभी को इसकी मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। एयरफोर्स डे हमारी भारतीय वायुसेना, जिस पर हम सभी को गर्व है, देश के लिए आन बान शान है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं हमारे भारतीय वायु सैनिक, हमारे जितने भी सैनिक है वो, और उन्हीं पर आधारित ये फिल्म है। और इस शुभ अवसर पर ही इस ट्रेलर को आज जारी किया गया है। तेजस हमारा एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसके नाम पर ही कंगना रनौत का नाम फिल्म में तेजस गिल है, जो कि बचपन से ही ये चाहती थी कि वो एक फाइटर पायलट बने और बनती है। और किस प्रकार से देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जो फिल्म के शुरू के डायलॉग से ही स्पष्ट हो जाती है कि भारत को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्त डायलॉग है। और दोस्तों आज को आपको भी बता दूं कि ये जो फिल्म है ये काफी बड़े पैमाने पे बनाई है। रानी स्क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और दोस्तों सर्वेश मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। कंगना रनौत का वन मैन वन वुमेन बोल लीजिए, वन वुमेन शो है ये। और क्या जबरदस्त तरीके से फिल्म बनाई गई है, किस प्रकार से वो एक पायलट की भूमिका में किस प्रकार से देश के ऊपर खतरा आता है, भारत के इंजीनियर है शायद उनका किडनैप हो जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके पास कुछ सूचनाएं हैं और उनको किस प्रकार से छुड़ाना है, किस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाना है। फिल्म में डायलॉग भी है कि हर बार बातचीत से काम नहीं चलता है, कई बार युद्ध के मैदान में एक्शन भी लेना पड़ता है। ऐसे कई तरह के डायलॉग्स फिल्म भरे हुए हैं, देशभक्ति से परिपूर्ण ये फिल्म है। और काफी जबरदस्त इसमें जो एरियल एक्शन सीक्वेंसेज है बहुत ही खतरनाक तरीके से है, और जिस प्रकार से इसको शूट किए गए काफी अच्छे अच्छा ये लग रहा है। VFX भी काफी अच्छा लग रहा है। तो फिल्म एक उम्मीदें जगाती है भारत पाकिस्तान के बीच का ये जो टेंशन एक मैटर को लेकर के है। जैसे कि कंगना रनौत को के बारे में कहा गया कि वो ऐसी पायलट है, उनके बारे में एक डायलॉग है कि जो काम आसानी से हो जाए उसके बारे में उसको मत करना, जो काम इतना मुश्किल हो जिसको और कोई कर नहीं सके तब तुम तेजस को याद करना। तो इसी से पता चल रहा है कि कितना डेंजरस रोल उनका होने वाला है। और आतंकवादी के ऊपर भी एक डायलॉग है कि आतंकवाद को आप पर्सनली ले रहे हो, तो वो कह रहे हैं आतंकवादी या आतंकवाद को हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को पर्सनली ही लेना चाहिए, तभी हम आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। तो जबरदस्त डायलॉग से भरी हुई ये फिल्म है, जबरदस्त एक्शन इसमें देखने को मिलने वाला है। और कंगना रनौत के आप ऐसे ऐसे एक्शन सिक्वेंसेज देखोगे कि आपको मजा आ जाएगा मतलब। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, फिल्मी दुनिया में कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री इस समय कोई है नहीं। कैसा भी रोल आप उनको दे दीजिए, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं और जिस मेहनत से वो अपने रोल को प्ले करती है, जिस प्रकार से वो कैरेक्टर में डूब जाती है, वो अपने आप में एक अद्भुत होता है, बहुत ही लाजवाब अभिनेत्री है। और यहाँ फिर से वो जो है पायलट के रोल में, एयरफोर्स फाइटर पायलट के रोल में, यहाँ पे फिर से कमाल करती हुई नजर आ रही है। उनका लुक, उनके उनका जो अंदाज है बोलने का, डायलॉग और उनके चेहरे के आप एक्सप्रेशंस देखिए, तो एक बहुत ही लाजवाब एक्ट्रेस है और लाजवाब एक्टिंग उनकी यहाँ देखने को मिलने वाली है। और पूरी फिल्म उनके कंधों पर है। और जिस प्रकार से ये फिल्म भारत पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है, और जिस प्रकार से एक जबरदस्त फिल्म होने वाली है जिसमें कंगना रनौत एक जगह ये भी कह रही है कि आप पायलट को टेक ऑफ कहाँ से करेंगे, तो वो बोल रहे मैं भारत से करूंगी नहीं, मैं पाकिस्तान से टेक ऑफ करूंगी तेजस को। तो तेजस हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद 2001 में उसको देश को समर्पित किया था, तो उसके नाम पे ये फिल्म है। आज वायुसेना दिवस है, बहुत बड़ा मौका है देश के लिए भारतीय सैनिकों को नमन करने का, उनको याद करने का, और उनकी बहादुरी को हम सभी जानते हैं कि कितनी बहादुर हमारी भारतीय वायुसेना है। तो ये फिल्म उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगा है दोस्तों। ट्रेलर काफी मजेदार लगा है, ट्रेलर बहुत ही खौफनाक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांचित कर देने वाला ट्रेलर है। आशा करता हूँ कि ये फिल्म कंगना रनौत के लिए एक अच्छी फिल्म साबित होगी और अच्छी बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर ये कलेक्शन करेगी। 27 अक्टूबर को फिल्म आ रही है। जहाँ तक ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में कई सीने से है जो आपको गूजबम्स देते हैं, और जबरदस्त ट्रेलर है। 4 स्टार रेटिंग में इसको देता हूँ। आप बताइएगा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। टेक केयर। जय श्री राम। जय बोलना।